हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं पटियाला सलवार या सेमी सलवार या नॉर्मल सलवार किसी में भी आप ये पोंचा बना सकते हैं तो उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, पोंचा बोले, मोहरी बोले या बॉटम बोले सलवार का, तो उसको बनाने के लिए हम ऐसा बुकरम ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये रोल में भी आता है और मीटर से भी आता है। तो मीटर वाला बुकरम आप जितना चौड़ा चाहे उतना चौड़ा आप उसको कट कर लेंगे या फाड़ लेंगे उसको, लेकिन ये ऐसे रोल है और ये पतला है। लेकिन हमें पटियाला सलवार का मोहरी बनाना है तो उसमें थोड़ा चौड़ा बॉटम मोहरी रहता है तो अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने ये डबल ऐसे बीच से एक के ऊपर एक ऐसे रख के इसको ज्वाइंट कर दिया है, तो ये चौड़ा हो गया है। तो ये हमने दो कट कर लिया है और उसके लिए हम ये देखिए बुकरम से थोड़ा सा चौड़ा हमने ये कपड़ा ले लिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको ये ऐसे हम रख लेंगे और रखने के बाद ये हम जितना हमारा मार्जिन सिलाई का होगा उतना ही हम इसके यहाँ किनारे छोड़ के और इस पर हम मोटी सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों को हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारा बचा है इसको ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पोछा बनाने से और बुकरम अटैच करने से कहीं पे भी झोल नहीं आएगा, जरा सा भी झोल नहीं आएगा। ये बुकरम अटैच हो गया, अब हम इसको सलवार में अटैच करेंगे। तो ये सलवार हमने देखिए 6 कली वाली सलवार हमने ज्वाइन करके तैयार कर लिया है। पूरा टोटल प्लेट वगैरह लगा के बेल्ट ज्वाइन करके हम इसको तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम मोहरी बनाएंगे। तो ये हमारा ये सलवार का नीचे वाला भाग है मोहरी का, तो इसके ऊपर ये इस तरह से इसको हम ऐसे देख लेंगे। ये इतना इतना हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, बाहर होना चाहिए बुकरम, एक एक या डेढ़ इंच बाहर होना चाहिए। और ये हाफ इंच का हमारा ये मार्जिन है, तो बस ये जो बुकरम है इसके थोड़ा थोड़ा ही दो, ये बस एक ही ये सूत हम इस पर एक्स्ट्रा रख के हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे पैर में भी हम बुकरम अटैच कर लेंगे और ये ज्वाइंट हो गया। अब हम इसको ये एकदम ये किनारे से ऐसे फोल्ड करके और एकदम इसके किनारे सिलाई लगाएंगे और सिलाई हमारी बारीक होनी चाहिए।
हाथ से इस तरह से अच्छे से ऐसे बराबर करते हुए और इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग गई। अब इसके बाद ये देखिए, ये ऐसे हमारा इस तरह से ये आएगा। तो अब इसको हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा, ये देखिए यहाँ पे बुकरम है, तो ये पता चलते जाएगा हाथ से ऐसे जब सिलाई लगाएंगे तो ये पता चलते जाएगा कि यहाँ पे हमारा ये बुकरम है, ये देखिए यहाँ से। लेकिन हमें सीधे से सिलाई लगाना है, तो अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से हाथों से ऐसे करते हुए और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हम हाथ से इस तरह से करते हुए और ऐसे बिछाते हुए अच्छे से सिलाई लगाते, और ये देखिए हाथों से ऐसे करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा कहाँ पे बुकरम है, वो पता चलता। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बुकरम है, पहले ऐसे लाइन खींच लीजिए और तब इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मोहरी बनाएंगे, जरा सा भी झोल नहीं आएगा। ये देखिए कितना अच्छा से सिलाई लग गया और जरा भी झोल नहीं है, कहीं पे कुछ रिंकल नहीं है। इसी तरह से हम दूसरा ये मोहरी हम सिल के तैयार कर लेंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। ये कट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों किनारे हम एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ऊपर में भी हम एक एक पैर की ये दो लाइन का हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये दो दो सिलाई लग गई। अब हमें इसमें जिगजैग और इसमें जिगजैग हम बनाएंगे। तो जिगजैग बनाने का सबसे आसान तरीका, ऐसे पकड़िए और इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे ऐसे हम कपड़ों को ऐसे कपड़े को साथ हम ऐसे हिलाते जाएंगे इस तरह से, तो ये जिगजैग बनते जाए। ये देखिए ये दोनों में हम ये फर्स्ट वाले में और इधर फर्स्ट वाले में हमने जिगजैग बना लिया है इस तरह से। अब ये हमारा बीच का जो गैप है इसको भी हम गैप छोड़ेंगे, ये वाले को भी हम गैप छोड़ेंगे और ये जो बीच का गैप है इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए इसको देखिए ऐसे हम पहले डबल फोल्ड में कर लेंगे, ये इस तरह से ये डबल हो गया और फिर इसको एक और फोल्ड करेंगे, ये चार फोल्ड हो गया।
तो ये जहाँ पे फोल्ड आ रहा है वहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच देंगे, और एक लाइन हम यहाँ पे खींच देंगे और एक यहाँ पे आ रहा है लाइन, तो यहाँ पे खींच देंगे। ये देखिए तीनों लाइन हमारा एकदम बराबर आ गया इस तरह से, ये ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हमें सिलाई शुरू करना है ऐसे, फिर यहाँ पे आके यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे आके और यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे आके यहाँ से ऐसे तिरछी सिलाई लगाएंगे। इसको मैं डार्क कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हो गया, अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ये यहाँ पे आ गए, अब हम प्रेशर फूड को उठा लेंगे और उठा के सुई को हम नीचे रखेंगे और इसको ऐसे घुमा लेंगे इस तरह, और इसको घुमा के फिर यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आ गए, फिर सुई नीचे रहेगी हमारी, प्रेशर फुट ऊपर जाएगा और इस कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर प्रेशर फुट गिरा के इसमें सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लग गया, हम इसको साफ कर देते हैं ताकि पता चले। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई लग गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हम यहाँ से जिगजग 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 करते आएंगे और यहाँ पे ऐसे तीन हम सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे ऐसे तीन हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए अभी डबल सिलाई कैसे लगाएंगे, तो सुई को नीचे रखा, प्रेशर फुट को ऊपर उठाया और फिर यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। बस यहाँ पे आ गए, फिर उसी पे डबल हम सिलाई लगाएंगे। एक हो गया, फिर एक और हम सिलाई लगाएंगे। ये एक साइड का हो गया, अब हम इसी सिलाई पे हम नीचे आएंगे, ये आ गए। अब यहाँ पे भी हम ये डबल सिलाई लगाएंगे, जैसे यहाँ पे ये वाली हमने सिलाई लगाई है। अब ये हो गया, अब हम यहाँ से इसमें फिर जिगजैग करते हुए आएंगे।
ये देखिए पहला हमारा ये जिगजैग और फिर यहाँ पे डबल, ये डबल लगा के इस सिलाई पे गए, फिर यहाँ से भी डबल हो गया, फिर यहाँ से फिर जिगजैग करते हुए इसमें आ गए। अब हम इस साइड में हम देखेंगे, यहाँ पे ऐसे जिगजैग करते हुए आएंगे, फिर यहाँ से जिगजैग करते हुए आएंगे। अभी हमें इसमें सिर्फ जिगजैग ही आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ से इस लाइन पे ये भी जिगजैग बन गया और यहाँ से भी जिगजैग बन गया, और ये बीच में ये डबल सिलाई से कितना अच्छा ये डिजाइन बन के दिख रहा है। पटियाला सलवार हम बनाते हैं तो उसमें पोंचा का ही सबसे ज़्यादा रहता है, पोंचा अच्छा हो और प्लेट्स अच्छे से डले हों। ये देखिए पोंचा हमारा कितना अच्छा लग रहा है और ये कितना फिनिशिंग के साथ बना है, थोड़ा सा भी कहीं पे भी झोल नहीं है। तो फ्रेंड्स, पोचे का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।